सामने देख थोड़ा इधर। हां जी हां जी ठीक है सर, ठीक है सर। टाइम भाई संतर नहीं सर, मैं आपके साथ ही था सर। हां मेरे साथ हो गया। नहीं सर आपके साथ थे। चलो जी आओ। अध्यक्ष जी आपके आगे आऊँ ना। बैठो जी, बैठो भाई, बैठो। बताइए, आम आदमी पार्टी में पहली बार आपने जीत की तरह में जो स्वागत किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, लोगों के अंदर जोश है और लोग ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जैसे उन्होंने दिल्ली में किया, अब पंजाब में करने वाले हैं, वैसे ही पूरे देश और हरियाणा में करेंगे। अच्छा शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य की सेवाएं, रोजगार के साधन, सबको साथ एक लेकर के पूरे देश की तरक्की, तो जो एक विजन है साफ स्वच्छ ईमानदार राजनीति का, वो लोगों के पूरे दिमाग में दिल में बैठ चुकी है बात। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितना लोगों के अंदर जज्बा है, जुनून है और वो चाहते हैं कि एक बड़ा बदलाव इस हरियाणा की धरा पर आए। और इसी संदेश को लेकर के आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और हमारे सभी साथी वो काम करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे हरियाणा के सह प्रभारी भाई महेंद्र चौधरी जी हैं, यहाँ के प्रधान लाभ सिंह जी हैं, सभी साथी ये नए ज्वाइन करे हैं आज सब ने जो है, हजारों साथियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता इस जींद जिले के अंदर करी है। और भविष्य में जो भी इन साथियों ने कहा है कि जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी, ड्यूटी होगी, संघर्ष करने की, विपक्ष की भूमिका निभाने की, संगठन को मजबूत करने की, आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए, किसान मजदूर का जो भी संघर्ष है उसमें हम शामिल होकर के अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। चंडीगढ़ का मामला बहुत ही गरमाया हुआ, पंजाब कह रहा है हमारा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए चंडीगढ़ तो आप सब जानते हैं, जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ, ये ऐसे चंद जगह होती हैं जहाँ पर वो ज्वाइंट जो है, जैसे दिल्ली है, केंद्र भी क्लेम करता है, एक स्टेट का राज्य भी दे दिया, लेकिन वो आधा अधूरा है। ऐसे ही चंडीगढ़ का भी मामला रहा, जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ तो चंडीगढ़ ज्वाइंट राजधानी बनी। तो ज्वाइंट राजधानी है तो जब तक वाद संवाद के माध्यम से तो कुछ हो सकता है, नहीं तो हरियाणा का उतना ही अधिकार है जितना पंजाब का है। तो हम भी कहते हैं हम हरियाणा हमारी राजधानी है, हम पूरा उसमें वो रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर साफ होगी, कांग्रेस साफ होगी, अब उनको लगता है जब वो वहाँ पर सत्ता में थे कुछ उनका था, तब तो उन्होंने SYL को बंद कर दिया, आट दिया पूरी तरीके से, वहाँ की विधानसभा में फैसला कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमें पानी दो, हमें ये दो, तो ये विरोधाभास है। और केंद्र का नेतृत्व कुछ बोलता नहीं है दोनों पार्टियों का, तो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि किस तरह की ये 55 साल में राजनीति करते आए। और इसी अविश्वास ने, जनता के इसी अविश्वास ने इन पार्टियों को वहाँ से बेदखल कर दिया। जो 25-25 साल मुख्यमंत्री रहे उनको बुरी तरह के हराया, और ऐसा ही जो है वो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर उसी का ये लहर पूरी उठी हुई है और ऐसा ही हरियाणा के अंदर भी होगा। आम जनता क्या संदेश देना चाहोगे? आम जनता का यही कहेंगे, आम जनता का अच्छा समय आने वाला है, उनके अच्छे दिन अब आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये अत्याचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, ये सब जो है इसको ठीक करने का मॉडल वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के पास। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है, रसोई गैस भी बढ़ चुकी है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और बीजेपी कहती है कि हमने विकास कार्य करवाए। डायन जो है ना, डायन वो बीजेपी की सहेली है, और डायन कौन है जानते हो? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो है ना जिस तरीके से चल रही है, वही कहते थे इसको कि महंगाई डायन, अब वो उनकी सहेली होगी।
तो देखो लोग तो इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा रामदेव जब कुछ कहते थे, बाबा रामदेव तो कहते कुछ थे, अब तो हमारी पूछ फाड़ ले और पत्रकार और सारे लोग हरियाणा के ढूंढ रहे हैं उसकी पूछ कहाँ है। तो पूछ मिलेगी सर, जागड़ा की मूछ और बाबा रामदेव की पूछ, देखते हैं अब हमारा देखो जागड़ा साहब कैसे मूछ तान के पूरा आए हुए हैं आज केजरीवाल के समर्थन में, तो बहुत अच्छा होगा। और हरियाणा की सड़कों के ऊपर पूरा मन बना चुके हैं हमारे सारे साथी कि संघर्ष करके तप करके हम आम आदमी का राज इस हरियाणा के अंदर लेकर के आएंगे और सेवा और संघर्ष मिल करके जो है हरियाणा की आने वाले समय में तस्वीर और तकदीर बदले। पंजाब के बाद हरियाणा में स्थिति जो है बदलने लगी है, नेता इधर उधर जाने लगे, क्या कहेंगे सर? 90 की 90 सीटें जीतेंगे और जो अच्छा होगा उसको ले आएंगे। केजरीवाल जी ने कहा जो इसकी ईमानदार छवि हो, जो साफ सुथरी राजनीति हो, चरित्रवान हो, मेहनती हो, पढ़ने लिखने वाला हो, संघर्ष करने वाला हो, उसको सबको ले आओ और बाकी को छोड़ दो और कोई गलती से आ गया तो उसको बाहर कर दो। ये उन्होंने साफ संदेश दिया है। महेंद्र जी, महेंद्र क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से एक आंधी चली हुई है आम आदमी की, इलेक्शन के बाद हरियाणा की राजनीति में एक गर्मराहट आ गई, गर्मी कितनी? गर्मी तो है ही, लेकिन जो जहाँ ठंडक वाला प्रदेश है हिमाचल, वहाँ भी पूरी गर्मी है और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आज अरविंद जी की सोच का, उनके विचारों का जलवा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिला अध्यक्ष हैं आप जिला जींद के, और जींद की धरती रैलियों के लिए माना गया है, रैली करते हैं लेकिन यहाँ कुछ विकास कार्य नहीं होते, क्या कहेंगे? जींद जिला पूरे हरियाणा में एक राजनीति का गढ़ माना गया है, पूरे नेता हरियाणा के जब भी हरियाणा में आते हैं तो जींद से अपनी राजनीति शुरू करते हैं। आज हमारे अध्यक्ष तोमर जी, अशोक तंवर जी हमारे बीच में आए हैं और आज जींद से ही शुरुआत की है हरियाणा की राजनीति बदलने की। आज हरियाणा की राजनीति बदलने परिवर्तन होने जा रही है, इस खुशी में आज हमारे अशोक तंवर जी जींद में आए हैं, हमारे प्रभारी महेंद्र जी गोयल जी महेंद्र जी भी साथ में आए हैं, मैं उनका सबके धन्यवाद करता हूं। अब हरियाणा की राजनीति बदलेगी और सच्चे लोगों की राजनीति आएगी। जींद से लेके और पूरा हरियाणा, खासकर हमारा जैसे कि हल्का पड़ता है इसराना, इसराना में तो डोर टू डोर जा चुके हैं और अच्छा सहयोग मिल रहा, जो भी साथी मिलता है भैया मेरे को टोपी कब पहनाओगे, तो ऐसा सिस्टम चला हुआ है। और मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हर दिन ऐसा ही आए कि केजरीवाल सरकार बने और हम सब सपोर्ट करें। धन्यवाद।